हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से। बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब डायरेक्टली बात की जाए यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ताकि आप में से किसी का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे अगर आपने ITI किया आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने BBTech किया है आप एलिजिबल रहेंगे, MEMTech कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, कोई सा भी आपका ट्रेड है या फिर कोई सी भी आपकी ब्रांच है बिल्कुल एलिजिबल इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी 1430 प्लस वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है, जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में भी अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपके लिए टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ट्रेनी इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, साइट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है और आपका यहाँ पे CTC क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, इवन अप्लाई करके दिखाऊंगा, उन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा। YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट आपका रहेगा लाइक का 700 प्लस, आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech किया है, कौन से ट्रेड के अंदर IT किया है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होने वाला है। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो इसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, एज वेल एज मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी वो आपको भर्ती देखने को मिलेगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बम्पर भर्ती देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा MSP स्टील प्लांट, ये प्राइवेट कंपनी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। बेसिकली जो कंपनी है बहुत सारे PSUs के साथ इन्होंने काम किया है, इवन इन्होंने यहाँ पे टाटा के साथ भी काम किया है, L&T के साथ भी काम किया है। और रिसेंटली जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे बेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे बेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम चलते हैं इनके कैरियर वाले पेज पे। जैसे आप कैरियर वाले पेज पे क्लिक करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है, तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दो मेथड रहेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। पहला मेथड रहेगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा मेथड जो रहेगा यहाँ पे इनका मेल आईडी प्रोवाइड करवा रखा है HR का, डायरेक्टली क्या करना है आपको इस मेल आईडी पे अपने CV रिज्यूम को मेल कर देना है कवर लेटर के साथ। मेल कैसे करना है, क्या कैसे कवर लेटर को अटैच करना है मेल आईडी के अंदर, उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पोजीशन अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन के बारे में बताया गया है। लाइक यहाँ पे सीनियर लेवल एंट्री की पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिड लेवल एंट्री की पोजीशन है, जिनके पास एक दो साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेवल एंट्री की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे जूनियर लेवल एंट्री की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर वाले यहाँ पे जो थर्ड नंबर आ रहा है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप उस पर टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो डेट रहेगी जिस दिन आप अप्लाई करेंगे वो डेट आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने फुल नेम को डालना है और जो भी आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप अपने सेल नंबर को डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपके पास माता पिता के नंबर है, मम्मी पापा के नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं अल्टरनेट नंबर के अंदर। ईमेल आईडी वही डालिएगा जो कि आपके रिज्यूम और CV के अंदर मेंशन हो। साथ ही साथ जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं वो मेल आईडी को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, देन फिर आपका जो सिलेक्ट एड्रेस है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा स्टेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अपने CV को अपलोड करना है, जिसका साइज मैक्सिमम यहाँ पे 2 MB होना चाहिए। 2 MB से कम भले ही हो, लेकिन 2 MB से अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट प्रोवाइड करवाए गए हैं लाइक PDF फॉर्मेट में हो सकता है, डॉक की फॉर्मेट में हो सकता है और डॉक्स की फॉर्मेट में भी चलेगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अपने CV को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे मेंशन कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। इस मेल आईडी पे क्या करना है, आपको अपने CV को, रिज्यूम को मेल कर देना है कवर लेटर के साथ। अब आप पूछोगे कि कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कवर लेटर लिंक करके। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी BBTech किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना। और BBTech किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो BBTech को हटा देना। आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि CV कैसे आपको, रिज्यूम CV कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और CV को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई PC नहीं चाहिए, ये आपका CV का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने BBTech डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसी पे आपको मेल करना है, ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली हम। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मेल कैसे करना है उस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जो कि आपका जीमेल का ऐप है आपके मोबाइल के अंदर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
यहां पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली कंपोज वाले मेल पे कर देना है क्लिक। तो कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपकी खुद की मेल आईडी आ जाएगी जिससे आप लॉगिन हुए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे वो मेल आईडी डालनी है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइप करने में मिस्टेक करते हैं और उनका मेल नहीं जाता, तो आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉपी कर लेना है मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर है, 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर है, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे, आपने अगर आईटीआई कर रखा है या फिर करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो आपको यहाँ पे डालना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन, पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अप्लाई फॉर DET, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, क्योंकि JEE की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने BBTECH कर रखा है, तो यहाँ पे वो डालेंगे अप्लाई फॉर GET, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग डाल सकते हैं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे डाल सकते हैं आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऐसे पुट कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आता है कंपोज ईमेल का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पे, जिसको आपने कॉपी कर रखा था, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है, BBTECH, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने नेम और मोबाइल नंबर की जगह आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है इसको हटाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। देन फिर आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ अपने CV को अटैच करना है या फिर अपने रिज्यूम को अटैच करना है, तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैच फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने CV को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो CV रहेगा इसके नीचे आपको अपना CV देखने को मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेंड का, इस पर क्लिक करके आप अपने जो आपका मेल है वहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस मेल आईडी को ध्यानपूर्वक टाइप कर लेना या फिर आप कॉपी कर लेना, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।